मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना दोस्तों मत भूलना। स्टे ब्लेस्ड स्टे सेफ। आज की राइड हम सुजुकी बर्गमैन स्ट्रीट के ऊपर करने जा रहे हैं। इसकी परफॉर्मेंस देखेंगे कि पहाड़ी इलाकों पर कैसी है। दोस्तों अब हम यहाँ से ले रहे हैं लेफ़्ट साइड की ओर टर्न। रीज़न ये है कि अगर हम होशियारपुर के अंदर एंटर करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलेगा। हम बाईपास की ओर से जा रहे हैं और हम इस टाइम खड़े हैं होशियारपुर बाईपास जो कि जाता है हिमाचल की ओर। अब हमने लिया है राइट साइड की ओर टर्न। यहाँ से बाबा वडभाग जी का जो यहाँ से अभी रास्ता पेंडिंग है वो है 15 किलोमीटर और यहाँ से ही ऊना की ओर रास्ता निकलता है जो 35 से 38 किलोमीटर के बीच का रास्ता। ये देखिए दोस्तों अभी मैंने बात ही की थी और मेरी खुद की गाड़ी स्लिप हो गई पर स्पीड ठीक होने के कारण मैं और भैया स्कूटर के ऊपर से गिरे नहीं। दोस्तों अब हम बाबा वडभाग सिंह जी के पहुंच गए हैं। यहाँ पर अपना स्कूटर हम बैक साइड जो इनकी पार्किंग है वहाँ पर पार करेंगे। उसके बाद हम माथा टेकते हुए जितना भी यहाँ का व्लॉग है वो अब नेक्स्ट कंटेंट के अंदर नेक्स्ट व्लॉग के अंदर आपके लिए पेश करेंगे। तो दोस्तों स्टे सेफ स्टे ब्लेस्ड लव यू ऑल। जब हम अंदर एंटर करते हैं तो आपको यहाँ पर शॉप्स मिल जाएंगी। जितनी भी चीज़ें आपको यहाँ पर आकर ज़रूरत की लेनी हो तो आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। प्रसाद से लेकर बच्चों के खिलौने तक आपको यहाँ नॉर्मल अवेलेबल हो जाएंगे। आप देख सकते हो कि इस टाइम श्रद्धालु गिनती में बहुत कम हैं। ये पीछे पार्किंग है जहां पर आप गाड़ी स्कूटर वगैरह खड़ा कर सकते हो। ये अंदर जाने के लिए मेन एंट्रेंस है जहां पर अंदर जाकर आप माथा टेक सकते हो। अंदर भी इतने श्रद्धालु नहीं हैं। अंदर काफी अच्छा बना हुआ है, एकदम साफ सफाई का ध्यान रखा गया है यहाँ पर।
ये देखिए इस साइड भी शॉप्स बनी हुई हैं। ये लंगर वगैरह के लिए भी इन्होंने हॉल बनाया है। लोकेशन अच्छी है काफी। यहाँ से नीचे पैदल जाने का रास्ता भी बना हुआ है। ये बहुत पुराना है। अब तो ये मेन रोड वगैरह बन गई है, तो आप गाड़ी वगैरह भी नीचे लेके जा सकते हो। पहले भी ये रास्ता बना हुआ था पर बहुत बुरी हालत में था। ये बहुत अच्छी इन्होंने रोड्स बना दी हैं। यहाँ पर मिट्टी ही मिट्टी होती थी। दोस्तों अब हम ये दूसरी लोकेशन पर पहुंच गए हैं। दोस्तों इस लोकेशन को धौलीधार चरण गंगा कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर लोकेशन काफ़ी अच्छी है। आगे रास्ता बहुत ख़राब था। नियर अबाउट मैं यहाँ 15 साल के बाद आया हूँ। पहले रास्ता आपको पता है जैसे पहाड़ी इलाकों में होता है कि अगर मेंटेनेंस वगैरह ना हो तो रास्ते ख़राब होते हैं, बट अब यहाँ गाड़ी वगैरह आराम से आ जाती है, कोई दिक्कत वगैरह नहीं हुई। टू व्हीलर्स पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी आप देख रहे हो मेरे पीछे यहाँ बसेस वगैरह भी आती हैं, पर इस टाइम आपको पता है कोरोना डिज़ास्टर के कारण अभी इतने यहाँ पर माथा टेकने के लिए नहीं आ पा रहे श्रद्धालु। वैसे लोकेशन अच्छी है। मैं ऊपर गुरुद्वारे में भी मैंने माथा टेका है, वहाँ पर भी इतनी अभी भीड़ नहीं थी। थोड़ा कोरोना वायरस के कारण भी अभी इतने श्रद्धालु नहीं आ पा रहे, बट जब सब बेटर होगा तो आपको पता है यहाँ कितनी भीड़ होती है। ये देखिए मेरे पीछे। चलो दोस्तों अब हम यहां से जा रहे हैं वापस जलंधर की ओर। जब हम आ रहे थे तो इसी लोकेशन पर हमारा स्कूटर स्लिप हुआ था और हम दोनों गिरते गिरते बचे थे। आने वाले वक्त में जैसे यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, मुझे लगता है कि 1-2 साल के अंदर ये रोड्स भी अच्छी हो जाएंगी।
डिलीवरी का टाइम हो गया है आफ्टरनून। अब हम यहाँ से कर रहे हैं वापसी। वापसी करने से पहले हमने लंच नहीं किया था, तो हम थोड़ी रिफ्रेशमेंट वगैरह ले रहे हैं। और ये जो व्लॉग था काफ़ी अच्छा बना है, बाकी आप देखना, लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना। चलो दोस्तों, अब हम यहाँ से जा रहे हैं वापस जलंधर। ठीक है भैया, ओके बाय। अब हमने पंजाब बॉर्डर क्रॉस किया है। इस व्लॉग में मैंने सुजुकी बर्गमैन को बहुत अच्छे तरीके से टेस्ट किया है। मुझे ये गाड़ी बिल्कुल भी अंडर पावर नहीं लगी। वैसे इस गाड़ी को लिए हुए मुझे 1.5 साल हो गया है, पर पहाड़ी इलाकों पर मैं फर्स्ट टाइम इसे लेकर आया हूँ। मैंने पिलियन राइडर के साथ ये जो व्लॉग किया है आज का, इसमें मुझे बिल्कुल ऐसा महसूस नहीं हुआ कि ये गाड़ी अंडर पावर है। गाड़ी ने अपनी 100% परफॉर्मेंस दी है। इवनिंग का टाइम है और सनसेट हो रहा है। अपनी पंजाब पुलिस का हाल देखिए, छोटे छोटे बच्चे इनसे रोके नहीं जाते। चोरों और स्मगलर्स को पता नहीं ये लोग कैसे रोकते होंगे। चलिए दोस्तों, मैं दोनों हाथ जोड़कर आपसे विदा लेता हूँ। अब यहाँ से आगे का जो रास्ता है, आदमपुर जंडू सिंगा होते हुए हम जलंधर जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।